चलते हैं एक पूर्व लिखित पर्चे की ओर। एक सज्जन आए हैं जिनकी चोटी है, थोड़े एजिट है, और वो अपनी घर की इज्जत बचाने के लिए आए हैं। यदि किसी महिला बेटी को सदमार्ग पर ले जाना चाहते हो तो खड़े हो जाएं। आइए भैया, आपकी चोटी है, पहले दिखाओ चोटी है क्या, घूमो। अरे वाह, आइए आइए आइए, स्वागत है स्वागत है। अब देखिए, आप हमारे बिंदु जी कह रहे थे आज गुरुजी को हमने गर्म कर दिया। आधे जी अजंत भैया आप सामने मत बैठना सोफे पे। बोलो, बोला नहीं बोला? लाइव टेलीकास्ट लगा हुआ डोम कैमरा घूम रहा है, क्योंकि अजय महाराज ने एक ऐसा भजन गाया है तो उस भजन की तो इज्जत रखनी पड़ेगी, पूज्यपाद गुरुदेव का आह्वान तो करना ही पड़ता है। इसीलिए कहते हैं राजाओं की सभा में ताल गद्य पद मिश्रण संगीत होता था, तब राजा का दिमाग खुलता था। अजय भैया शांति से दरबार देखो, आप पास में आए, पद पन्नी हो तो पीछे रखो, हमने ये दस्तखत किया। माइक यहां आओ, ऐसे आओ, ऐसे ऐसे माइक उठाओ। भैया हमने आपकी गरिमा नहीं पकड़ी है, हमने सिस्टम से बैठा रहे हैं। नहीं, आप कहो कि गुरु जी ने तो जबरदस्ती ऐसे तान दे, हम कभी बड़े बुजुर्गों का अपमान नहीं करते, क्योंकि हमने अपने गुरु से ये नहीं सीखा। लेकिन आप सेंटिंग में नहीं बैठे थे, सिस्टम में नहीं बैठे थे, इसलिए हमने आपको बैठा दिया गुरु होने के नाते। बोलो क्या पूछना चाहते हैं, माइक से बोलिए। महाराज जी हमारा माइक से बोले, सब लोग सुन रहे हैं। हमारा परिवार बिखरा हुआ है महाराज जी। आपका परिवार बिखरा हुआ, आपको समझ आ रहा है ये क्या कह रहे हैं? ऐसे बैठो, इस साइड को बैठो, कैमरा देख रहा। हाँ, क्या है? हमारा परिवार बिखरा हुआ है। परिवार बिखरा हुआ, क्या हो गया? परिवार अलग अलग रह रहा है कि घर छोड़ के चला गया? नहीं, घर छोड़ के नहीं गया, कुछ ऐसा जो सद्भाव होना चाहिए वो सद्भाव नहीं है, दुर्भाव हो रहे हैं उसके अंदर। अच्छा, तो किसको सुधारना चाहते हैं? लड़का को, लड़की को, बहू को, पत्नी को, अपने आप को, किसको सुधारना चाहते हो? कौन से चाहते हो सब लोग मिलकर रहे? हाँ, हम ये चाहते हैं कि हमारा परिवार सबसे मिलकर रहे, सद्भाव रहे। सद्भाव किस प्रकार का? अनेक प्रकार के सद्भाव होते हैं, अलग प्रकार के विचार होते हैं। कैसा सद्भाव? सद्भाव ऐसा रहे कि दुर्भाव नहीं रहे और कोई व्यक्ति कुपन से पकड़ रखे। हैं? जो हमारी भाभी वो कुपन से पकड़ रखे किसी। आपकी भाभी यानी माता, आपकी भाभी माने माँ, कुमार पर ना जाए, आपको कहना चाहिए ना। जी, जी। हमने लिखा सुने, भाभी सोनम, पति का नाम कमलेश, स्वर्गवासी, ट्रेन द्वारा मरे थे। जी, जी। वही जी, है ना। जी, जी। आपकी भाभी पर आपको शंका है कि मनीष नाम के लड़के के साथ संबंध है। जी जी, यही ना। जी सर। तो भाभी के साथ तो संबंध तुम्हारे भी है। बोलो माइक से, बोलो है कि नहीं? माइक से बोलिए, माइक से बोलो। हाँ, संबंध है। है तो कैसा सद्भाव कैसा सद्भाव? सुनिए, लेकिन मनीष छूट जाएगा, मनीष की पोल खोलने से तुम्हारी भाभी दब जाएगी, वापस तुमसे जुड़ जाएगी। आप यही कामना से आए हो? हैं? माइक से बोलो। जी जी। तुम्हारी कसाईगंज की। सुनिए, आपका नाम क्या है? उमाशंकर। अमर सिंह। उमाशंकर। उमाशंकर। माइक से बोलिए। उमाशंकर। आपका नाम उमाशंकर, पिता का नाम क्या है? दयाराम। जी जी। आपका, आपकी पत्नी का हंसमुखी। जी। हैं? जी। आप दयाराम के पुत्र हैं? जी सर। बिन्ने भी दो शादी करी थी क्या? हैं? उन्हें भी काबू कर रखे थे पिताजी ने? नहीं, ऐसा नहीं। तो बीज में खोट आता नहीं है, ये कहां से आया? ब्राह्मण हो आप? जी जी। सुधार करो, और मनीष को हम दूर करवा देंगे, आप उसको पैर छू के माफ करें, गलती हो गई होगी, कुमार पे आप ले गए हैं ना कि वो। ठीक है, चलो पकड़ो कान, कान पकड़ो, दोनों खड़े होकर बैठो, पांच बैठक लगाओ, क्योंकि ये मां का सवाल है, आपने दाग लगाया, खड़ो बैठो, पांच बार, पांच बार, नहीं तो तुम्हारी पत्नी भाग जाएगी। जाओ बोल देना कि मनीष को छोड़ देना, नहीं पंडों के सरकार पागल कर देंगे। जाओ भागो, गो।